Hello everyone, myself Rajkumar Meena, a BBS student, and now in this video we discuss about the pudendal canal. Pudendal canal के बारे में बात करें तो ये अपनी university purpose से काफी ज़्यादा important question है, ठीक है? ये अपनी university exam में पूछा हुआ question है. अपन pudendal canal के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जब अपन estuarial fossa पढ़ा था तब पढ़ा था. अब अपन इसे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. पहले अपन pudendal canal के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए इन्हें अपन देखेंगे. तो अपने पीडेंडल कैनाल के बारे में देखा था, जब अपने इस्ट्यूनल फोसा पढ़ा था तब, है ना? तो ये अपना इस्ट्यूनल फोसा, इस्ट्यूनल फोसा में ये इसकी मीडियल बाउंड्री है, ये लेटरल बाउंड्री, ये एपेक्स या सुपीरियर बाउंड्री, और नीचे वाली क्या अपनी बेस या इन्फीरियर बाउंड्री. मीडियल बाउंड्री का फॉर्मेशन कौन करती है? अपनी एनल कैनाल. और लेटरल बाउंड्री को बनाती है अपनी इस्ट्यूनल ट्यूबोसिटी. बेस बनाती है अपनी जो पेरिनियम की स्किन होती है वो. और इसके एपेक्स का फॉर्मेशन करती है डीप फेशिका. डीप फेशिका के अंदर अपने जो इन्फीरियर फेशिका और पेल्विक डायफ्राम है वो, और अपनी ऑब्टरेटिव फेशिका का मीटिंग पॉइंट, ठीक है? ये इसका एपेक्स बनाती है. जो अपनी इस्ट्यूनल फोसा होती है वो अपने सुपरफिशियल फेशिका के अंदर होती है, अपनी एनल ट्राइंगल के. तो उसके अंदर क्या भरा होता है? अपना फैट भरा होता है ना अपने सुपरफिशियल इस्ट्यूनल फोसा के अंदर. तो ये जो फैट भरा होता है ना, इस फैट को अपनी फेशिका होती है ना, वो फेशिका इसे दो स्पेस और एक कैनाल में बदल देते हैं. कौन कौन सी फेशिका होती है, कौन कौन से स्पेस होते हैं, कौन सा कैनाल होता है, उसके बारे में देखते हैं. देखो मीडियल साइड आ रहा है ये अपना कौन सा, एनल फेशिका. मीडियल साइड अपना एनल फेशिका होती है और ये ऊपर जाके और अपनी इन्फीरियर फेशिका पेल्विक डायफ्राम से जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है? और ये अपने पुडेंडल ये यहाँ से आती है अभी ये ल्यूनेट फेशिका, ठीक है? ये ल्यूनेट फेशिका जाकर और अपनी एनल फेशिका के साथ मिक्स हो जाती है. और नीचे की तरफ होती है अपनी पेरिनियल फेशिका. पेरिनियल फेशिका कहाँ से होती है? अपनी वाइट लाइन ऑफ फिल्टन से लेके और यहाँ तक जाती है, ठीक है? अभी पेरिनियल फेशिका होती है ना, ये अपने इस्ट्यूनल फोसा को दो स्पेस में बांटती है. नीचे की तरफ तो होता है अपना पेरिनियल स्पेस और इसके ऊपर की तरफ होता है ये वाला, ये है अपना इस्ट्यूनल स्पेस, ठीक है? ये पेरिनियल फेशिका जो मीडियल साइड आ रही है ना, मीडियल साइड से आ रही है. और इधर के लेटर की तरफ होती है ये अपनी ऑब्टरेटिव फेशिका, ठीक है? ये लेटर की तरफ अपनी ऑब्टरेटिव फेशिका. तो देखो ये अपनी ऊपर की तरफ से अपनी ये ल्यूनेट फेशिका रही है इसने, है ना? और मीडियल तरफ से अपनी पेरिनियल फेशिका आ रही है इसने, और लेटर की तरफ से अपनी ऑब्टरेटिव फेशिका आ रही है इसने, और नीचे की तरफ से एक अपना सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट और आता है, ठीक है? तो ये चारों मिलकर और अपने कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस कैनाल का, जिसे बोलते हैं अपन प्यूडेंडल कैनाल, ठीक है? ये फेशिका के थ्रू बना होता है इसलिए सब हम फेशियल टनल बोलते हैं. और कौन कौन सी फेशिका इसका फॉर्मेशन करवा रही है? ल्यूनेट फेशिका, पेरिनियल फेशिका, ऑब्टरेटिव फेशिका, और नीचे एक तरफ से आता है अपना सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट. तो ये अपने प्यूडेंडल कैनाल के बारे में था. अब इसके पॉइंट्स देखते हैं. तो देखो प्यूडेंडल कैनाल ये कहाँ पर होता है? अपना लेटरल साइड ऑफ इस्ट्यूनल फोसा. ये अपना इस्ट्यूनल फोसा ना, तो ये इस्ट्यूनल फोसा की अपनी लेटरल साइड और ये मीडियल साइड है, तो लेटरल साइड ही तो है अपना ये प्यूडेंडल कैनाल. तो ये अपने इस्ट्यूनल फोसा के लेटर साइड में होता है ना. इसे अपने फेशियल टनल भी बोलते हैं. फेशियल टनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने फेशिका के थ्रू मिलकर बना होता है. चार फेशिका मिलकर इसे बनाती है, इसलिए अपन फेशियल टनल भी बोलते हैं. कौन कौन सी फेशिका बनाती है? तो देखो ऊपर की तरफ से अपनी ल्यूनेट फेशिका आती है ना, और मीडियल की तरफ से अपनी पेरिनियल फेशिका आती है, और लेटरल की तरफ से अपनी ऑब्टरेटिव फेशिका आती है, और नीचे की तरफ से कौन आता है? अपना सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट, फाल्सिफॉर्म प्रोसेस ऑफ सैक्रोट्यूबुलस लिगामेंट नीचे की तरफ से आता है, और फाइनली अपनी प्यूडेंडल कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सटेंट के बारे में और इसके कंटेंट को देख लेते हैं. देखो कंटेंट में क्या क्या है. इसके अंदर अपन को प्यूडेंडल नर्व मिलती है, प्यूडेंडल आर्टरी एंड प्यूडेंडल वेन, ठीक है? तो ये इसके कंटेंट होते हैं. इनकी ब्रांचेज भी होती है प्यूडेंडल नर्व की, प्यूडेंडल आर्टरी की, उनके बारे में भी अपन देखेंगे. तो देखो कंटेंट कौन कौन से है. प्यूडेंडल नर्व होते हैं, प्यूडेंडल आर्टरी एंड प्यूडेंडल वेन. आर्टरी एंड वेन को अपन वेसल्स बोलते हैं, तो अपन प्यूडेंडल वेसल्स, ठीक है? ये इसके कंटेंट होते हैं. अब एक्सटेंट देखते हैं. तो देखो अपना ये पुडेंडल कैनल कहाँ पर होता है? अपना इस्ट्यूनल फोसा में होता है. इस्ट्यूनल फोसा कहाँ होती है? अपने पेरिनियम के एनल ट्रायंगल में होती है ना. अब उसके पीछे क्या होता है? अपना हिप बोन होता है ना. तो हिप बोन में ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है ये अपनी पुडेंडल कैनल, उसके बारे में देख रहे हैं अपन. देखो ये अपना हिप बोन है ना. हिप बोन में बीच में क्या होती है? अपनी ऑब्टरेटिव फोरामेन होती है. अब इसमें क्या होता है कि एक तो होता है अपना लेजर सियाटिक नोज, ये अपना लेजर सियाटिक नोज, और एक होता है अपना ग्रेटर सियाटिक नोज, ठीक है? ये अपनी ग्रेटर सियाटिक नोज है. तो जो अपना प्यूडेंडल कैनाल होती है वो अपना लेजर सियाटिक नोज से लेके और अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती है. ये अपना इसका एक्सटेंड हो गया प्यूडेंडल कैनाल का, ठीक है? ये अपनी प्यूडेंडल कैनाल है जिससे अपनी नर्व, आर्टरी, वेन इस टाइप से आके और अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन को जाके सप्लाई कर देती है, ठीक है? तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है ये अपना लेजर सियाटिक नोज से लेकर प्यूडेंडल कैनाल तक, ठीक है? लेजर सियाटिक नोज से लेकर लेजर सियाटिक नोज से पेरिनियल मेम्ब्रेन तक, ठीक है? ये एक्सटेंड करता है अपना कौन? प्यूडेंडल कैनाल. इसके नर्व, आर्टरी, वेन वगैरह यहाँ से आती है, ठीक है? अब देखो ये अपना लेजर सियाटिक नोच है और ये अपने ग्रेटर सियाटिक नोच है. तो जो अपने लेजर सियाटिक नोच और ग्रेटर सियाटिक नोच है ना, ये अपने फोरामेन में कन्वर्ट हो जाता है. किसके थ्रू? दो लिगामेंट होते हैं अपने. एक होता है अपना सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट और एक होता है अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट. देखो ये है अपना सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट है ना,
और एक है अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, ये वाला है अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। इस टाइप से दो लिगामेंट होते हैं जो इस नोच को फोरामिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला कौन सा है अपना, ये वाला है अपना सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, और ये रेड वाला दिख रहा है ना, ये है अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट जो इस नोच को फोरामिन में कन्वर्ट कर देता है। अब जो इसकी प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल आर्टरी, प्यूडेंडल वेन होती है ना, वो अपने यहाँ से आके और फिर अपने प्यूडेंडल कैनाल में एंट्री करके और अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है ना। तो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्लिनिकल के बारे में। क्लिनिकल में क्या है कि जब अपन वेजाइनल सर्जरी करते हैं ना, तो वेजाइनल सर्जरी जब किसी भी चीज़ की सर्जरी करते हैं तो उसकी नर्व को ब्लॉक करना होता है ना। तो वेजाइनल सर्जरी के टाइम में क्या होता है कि अपनी ये प्यूडेंडल नर्व होती है उसे ब्लॉक करना होता है, क्योंकि अपनी प्यूडेंडल नर्व भी तो अपनी वेजाइना को सप्लाई करती है ना, तो उसे ब्लॉक करना पड़ता है। तो उसे ब्लॉक करने के लिए क्या करते हैं, अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट है ना, इसे ब्लॉक कर देता है, क्योंकि जो अपनी प्यूडेंडल कैनाल होती है ना, वो यहाँ से आकर और अपनी प्यूडेंडल कैनाल में एंटर करती है। अगर अपन सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट को ब्लॉक करते हैं तो अपनी प्यूडेंडल कैनाल भी, जो प्यूडेंडल नर्व भी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो वो जो एनेस्थेसिया देते हैं ना, वो अपने सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट के अंदर देते हैं। ठीक है, इसका क्लिनिकल हो गया। इन केस ऑफ वेजाइनल सर्जरी, सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट साइट ऑफ प्यूडेंडल नर्व इज ब्लॉक्ड, जो अपना सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट होता है उसमें अपन एनेस्थेसिया देते रहते हैं जिससे अपनी प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्लिनिकल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो अपनी प्यूडेंडल नर्व और प्यूडेंडल आर्टरी होती है इनकी ब्रांचेज के बारे में, है ना। तो उनके ब्रांचेज देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन प्यूडेंडल नर्व के बारे में देखेंगे, फिर अपन प्यूडेंडल आर्टरी के बारे में। आर्टरी और वेन तो दोनों कॉमन ही होंगी, तो अपन प्यूडेंडल आर्टरी के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी प्यूडेंडल नर्व के बारे में। तो प्यूडेंडल नर्व की ब्रांचेज ये अपना है तो ये है सपोज अपने प्यूडेंडल कैनाल। प्यूडेंडल कैनाल में अपने ये ग्रेटर सियाटिक नोज, लेजर सियाटिक नोज से होकर और अपनी क्या आती है, अपनी प्यूडेंडल नर्व आती है ना। प्यूडेंडल नर्व अपनी प्यूडेंडल कैनाल में पहुंच जाती है। ये अपनी प्यूडेंडल नर्व बोले, अपनी इंटर प्यूडेंडल नर्व बोलते थे। ठीक है, ये प्यूडेंडल नर्व आके और नीचे की तरफ एक ब्रांच देगी प्यूडेंडल कैनाल में, जिसे बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टल नर्व। ये अपनी इन्फीरियर रेक्टल नर्व है। ठीक है, अब ये प्यूडेंडल नर्व है, यहाँ पे आके एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं पेरिनियल नर्व। पेरिनियल नर्व आके जाके और एक नीचे की तरफ एक ब्रांच देती है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व। अब मेल के अंदर स्क्रोटम होता है तो उसे बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व, और फीमेल के अंदर लेबियम होता है तो उसे बोलते हैं लेबियल नर्व। और आगे की तरफ जाके एक नर्व ब्रांच देगी जिसे बोलते हैं मस्कुलर ब्रांच, यानी मस्कुलर ब्रांच। ठीक है, ये तो अपनी वही इंटर प्यूडेंडल नर्व है ना। ये इंटर प्यूडेंडल नर्व आके जाके और इसका नाम चेंज रहता है, इसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। मेल के अंदर पेनिस होता है तो उसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है तो उसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस। अब इनकी नेमिंग कर देते हैं अपन। ये कौन सी है, ये अपनी इंटर प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल नर्व। ठीक है, प्यूडेंडल इंटरनल प्यूडेंडल नर्व बोले, अपनी प्यूडेंडल नर्व बोले। ठीक है, इसने आगे जाके एक ब्रांच दी है जिसे बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टल नर्व, इन्फीरियर रेक्टल नर्व। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने एक ब्रांच दी जिसे बोलते हैं पेरिनियल नर्व, या अपनी पेरिनियल ब्रांच कुछ ही बोले, पेरिनियल नर्व। ठीक है, फिर ये पेरिनियल ब्रांच ने आगे जाके एक नीचे की तरफ एक ब्रांच दी जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर स्क्रोटल या लेबियल नर्व, पोस्टीरियर स्क्रोटल या अपनी लेबियल नर्व। ठीक, मेल के अंदर स्क्रोटम होता है तो उसे अपन पोस्टीरियर स्क्रोटल बोल देते हैं, और फीमेल के अंदर अपना लेबियल होता है ना, लेबियम होता है ना, तो उसे अपन लेबियल नर्व बोल देते हैं। और ये आगे की तरफ ये ब्रांच दी जिसे बोलते हैं मस्कुलर ब्रांच। ठीक है, मस्कुलर ब्रांच। और ये अपनी इंटरनल प्यूडेंडल नर्व आ रही है, ये अपनी जैसे ही अपनी प्यूडेंडल कैनाल को पार करके और अपनी ये पेरिनियल मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचाती है ना अपनी डीप, तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस एंड डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस, टोरिस। ठीक है, मेल के अंदर अपना पेनिस होता है तो उसे अपने डोर्सल नर्व ऑफ पेनिस बोल देते हैं, फीमेल का अंदर क्लाइटोरिस होता है तो उसे अपने डोर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस बोल देते हैं। ये अपनी प्यूडेंडल नर्व की ब्रांचेज हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांचेज। प्यूडेंडल आर्टरी और प्यूडेंडल वेन की सेम ही ब्रांच होंगी, तो अपन आर्टरी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो प्यूडेंडल
आर्टरी, ये अपना पीडेंडल कैनाल है, ये अपना पीडेंडल कैनाल। अब अपने यहाँ से आती है अपनी क्या, पीडेंडल आर्टरी या अपनी इंटरनल पीडेंडल आर्टरी। तो ये अपनी पीडेंडल आर्टरी आ गई, इसे नीचे की तरफ एक ब्रांच दी है जिसे बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। ये आगे की तरफ और आई, ये इसने दी एक पेरिनियल ब्रांच या अपनी पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल ब्रांच या पेरिनियल आर्टरी, ये नीचे तरफ जाके और एक ब्रांच देती है, ठीक है, ये जिसे बोलते हैं पोस्टियर स्क्रोटल या लेबियल आर्टरी, पोस्टियर स्क्रोटल आर्टरी या अपनी लेबियल आर्टरी। जो ये ब्रांच है पोस्टियर स्क्रोटल या लेबियल आर्टरी, ये एक और ब्रांच देगी जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, ठीक है। अब ये आगे की तरफ आई, ये यहाँ पे आके और ये चार ब्रांच डिवाइड हो जाती है, इस टाइप में चार ब्रांच होती है। इसी का नाम होता है ना आरटी टू नर्व ऑफ आरटी टू पेनिस एंड आरटी टू क्लाइटोरिस। मेल के अंदर पेनिस होता है तो इसे अपन आरटी टू पेनिस बोल देते हैं, और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस तो उसे अपन आरटी टू क्लाइटोरिस बोल देते हैं। ये अपनी आरटी टू पेनिस एंड आरटी टू क्लाइटोरिस है, ये अपनी चार ब्रांचों में डिवाइड हो जाते हैं। चार ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं इनके नेमिंग करते हैं अपन। तो देखो ये कौन सी अपनी, ये अपनी इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, ठीक है। फिर ये वाली कौन सी अपनी, ये वाली अपनी इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, ठीक। और ये वाली कौन सी अपनी, ये वाली अपनी पोस्टीरियर स्क्रोटल या अपनी लेबियल आर्टरी, ठीक है। और ये वाली कौन सी अपनी, ये वाली अपनी ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, इसकी ये वाली पहले तो इसका नेमिंग कर देते, ये अपनी पेरिनियल ब्रांच या अपनी पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल ब्रांच या अपनी पेरिनियल आर्टरी। और जो ये वाली है ना, इसका नेम है अपना ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, इसका ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी, ठीक है। अभी अपनी इंटरनल पीडेंडल आर्टरी आ गई, जैसे अपनी पीडेंडल कैनाल को पार करती है तो इसका नाम चेंज होता है, इसे बोलते हैं आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस, आर्टरी टू पेनिस एंड आर्टरी टू क्लाइटोरिस। मेल के अंदर आर्टरी टू पेनिस एंड फीमेल के अंदर आर्टरी टू क्लाइटोरिस। ये जो ब्रांच है ये आगे जाके वो चार ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। ये वाली इसका नाम होता है अपना डोर्सल आर्टरी टू पेनिस एंड डोर्सल आर्टरी टू क्लाइटोरिस, ठीक है, डोर्सल आर्टरी टू पेनिस एंड डोर्सल आर्टरी टू क्लाइटोरिस। और इस वाली का नाम होता है अपना डीप आर्टरी टू पेनिस एंड डीप आर्टरी टू क्लाइटोरिस, ठीक है। और इसका नाम होता है अपना यूरिथ्रा आर्टरी, और इस वाली का नाम होता है अपना आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस, बल्ब ऑफ पेनिस एंड आर्टरी टू बल्ब ऑफ क्लाइटोरिस, वेस्टिबुल, सॉरी वेस्टिबुल, आरटी टू बल्ब ऑफ पेनिस एंड आरटी टू बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। मेल के अंदर पेनिस एंड फीमेल के अंदर वेस्टिबुल। तो ये अपनी इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, अपनी प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांचेज होती है। अब वेन के अंदर वही अपनी वेन आ जाएगी, इंटरनल प्यूडेंडल वेन, फिर इन्फीरियर रेक्टल वेन, फिर पोस्टियर स्क्रोटल लेबियल वेन, ट्रांसवर्स पेरिनियल वेन, ठीक है। तो ये इस टाइप से वेन होती है। तो ये अपनी प्यूडेंडल नर्व एंड प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांचेज हो गई। तो अपना प्यूडेंडल कैनाल कंप्लीट हो गया। And now, thanks for watching. If you like it, please subscribe, share, comment, and like in this video. Thank you.